देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें और पहली खबर बांग्लादेश से जुड़ी है। बांग्लादेश में बवाल लगातार जारी है। सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। हिंसा के चलते स्कूल कॉलेज और यहां तक कि दफ्तरों को भी बंद किया गया है। भारी हिंसा को देखते हुए भारतीय दूतावास सतर्क हो गया है। दूतावास ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में भारतीय समुदाय के लोगों से बेवजह की यात्रा करने से बचने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोग और छात्र किसी यात्रा करने से बचें। भारतीय दूतावास 24 घंटे अपने नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर है। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में शामिल परिवारों के सदस्यों के लिए आरक्षण समाप्त करने की मांग की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। इसी वजह से वहां पर यह गंभीर प्रदर्शन हो रहा है। बात करते हैं एक और खबर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव ने एक कमेंट में सियासी पारा बढ़ गया है। बीजेपी में चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि यह मानसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अगर भाजपा में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें समर्थन दे सकती है। इसे ऑफर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक्स के जरिए हमला बोलते हुए उन्हें सपा बहादुर की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि यूपी और केंद्र दोनों ही जगह मजबूत सरकारें हैं। साल 2017 की तरह 2027 में भी हम यूपी में सरकार बनाएंगे। उन्होंने सपा के पीडीए को धोखा करार दिया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के पलटवार पर अखिलेश यादव फिर चुप नहीं बैठे। अखिलेश ने एक बार फिर पलटवार किया। इस बार अखिलेश ने लिखा, ना संगठन बड़ा होता है ना सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध्य तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की शेषता के झगड़े में उलझे हैं वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं। उन्हें जनता की कोई भी परवाह नहीं है।